नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। रमजान के पवित्र महीने में अगर आप कोई एक नेक काम करते हैं तो वह 10 गुना होता है, ऐसा कहना है जिला मोगा की मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन सरफराज अली भट्टी का। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोगा के मदीना मस्जिद की, जहां पर आज मुस्लिम भाइयों ने मिलकर एक अफाइज खान भाई को उसके रोजगार के लिए बैटरी चालित रिक्शा दी, ताकि वे अपने परिवार को 2 वक्त का खाना मुहैया करवा सके। खान भाई पहले पोस्टर बनाने का काम करता था और एक हादसे के दौरान वे अपाइज हो गया और अपनी रोजी रोटी खो बैठा। खान भाई के परिवार में 5 बेटियां और 2 बेटे हैं, जो सभी पढ़ने लायक हैं, लेकिन कमाई का कोई साधन नहीं होने के कारण वो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। उनके पास इस बात का जब दूसरे मुस्लिम भाइयों को पता चला तो इन सभी ने मिलकर उसको रोजगार मुहैया करवाने के लिए बैटरी चालित रिक्शा दी, ताकि वह उसे चलाकर अपने परिवार और अपने घर का गुजर बसर अच्छी तरह से कर सके, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, साथ ही लड़कियों के निकाह करवा सके। वहीं बैटरी का रिक्शा का रोजगार मिलकर खान भी बहुत खुश है। उसको मुस्लिम भाइयों की तरफ से रमजान के महीने में रोजगार दिया गया, जिसके लिए उसने सभी भाइयों का शुक्रिया अदा किया। के बारे में यही कहूँगा, मोमडिन भाइयों का शुक्र खुदा कि उसका ऐसे मेरे को आज मेरे पास 7 बेटियां हैं, उन्होंने आज रोटी रोजी बना के मुझे दे। पता चला कि आपका कुछ हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था, पहले ठीक था, एक्सीडेंट हुआ के बाद मोमडिन भाइयों ने बहुत मेरी मदद की। तो कैसा लग रहा है? मक्खन प्रधान साहब और भी जूनियर भाई डॉक्टर, आज आप कैसा अनुभव कर रहे हो, कैसा महसूस? डॉक्टर मक्खन साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करदा अल्लाह दे नाम नाल जिहड़ा बहुत ही मेहरबान ते रहम फरमाउण वाला है। जिवें असीं सारे जानदे कि रमजान मुबारक दा महीना तकरीबन उहदा निकल गया है, सारे मुसलमान भाईचारा रोजे रख रहा है, अल्लाह कोलों दुआवां कर रहा है बरकतां लई ते अपने गुनाहां दी माफ़ी लई। ते अल्लाह मियां भी फरमाउंदा है कि इस मुबारक महीने विच तुसीं जो भी नेकियां करोगे, हर एक नेकी दे बदले उहदा जिहड़ा अजर होगा 70 नेकियां दे बराबर होगा। अज सानू मुस्लिम वेलफेयर क्लब जिहड़े कि साडे सरपरस्त जी ने सलीम भाई, उन्हां नू पता लग्गिया कि साडा एक भरा हैगा जिहदी एक लत्त टुट्टी हुई है, उहदे बेटियां हन छोटियां छोटियां, उहदा गुजर बसर करना बहुत मुश्किल ना हो रहा है। ते उह ऐसा बंदा है जिहड़ा भीख भी मंगना नहीं चाहुंदा, ते उहदे हलाल दे रिज़क लई साडे मुस्लिम वेलफेयर क्लब ने एक बैटरी वाले बैटरी नाल जिहड़ा ऑपरेटेड ऑटो है उहदा इंतजाम कीता है, ताकि वह अपनी हलाल रोटी रोजी रोटी कमा सके ते अपनी बेटियां दा जो कि आने वाले टाइम च उन्हां दा विआह भी करना है, निकाह करने, उहदे लई पैसे दा इंतजाम कर सके। इसलिए अज सारे इकट्ठे हुए हां ते असीं जुमे विच इह दुआ भी कराई है कि पूरे भाईचारे दे जो लोग बीमार ने या किसी ने कोई प्रॉब्लम है उन्होंने तंदुरुस्ती लिए दुआ कराई गई है। तो असं आशा करते हैं ये साडा खान भाई है, ये हलाल रोजी कमा सके ते अपना गुजर बसर कर सके।